लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। बिजली की परेशानी से प्रखंड के लोगों की समस्याएं बढ़ती नजर आ रही हैं। हम सीधा रुख करेंगे बिहार के मुंगेर जिले की तरफ, जहां रविवार को आक्रोशित लोगों ने धरहरा ग्रिड में ताला जड़ दिया। उस समय ग्रिड में मात्र एक कर्मी मौजूद था, जिन्हें शांतपूर्ण तरीके से बाहर निकाला गया। उसके बाद सभी ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीण वरीय पदाधिकारी के आगमन की मांग पर डटे रहे, परंतु एक घंटे तक विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। हालांकि इस दौरान JECB दास से फोन पर वार्तालाप हुई, लेकिन उपभोक्ता उनसे संतुष्ट नहीं दिखे। जब विभाग के SDO ने इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत की और एक जांच दल के साथ कारणों का पता लगाकर समस्या को खत्म करने का आश्वासन दिया, तब जाकर लोग शांत हुए। तालाबंदी करने वाले प्रवीण कुमार सिंह, मम्मम कुमार, अनुज कुमार, लोहा सिंह सहित दर्जनों लोगों का कहना है कि धरहरा विद्युत विभाग में अधिकारियों की मनमानी चलती है। आप खुद देखिए यह बड़ी खबर संवाददाता चंद्रशेखर के साथ। देखिए, हम मोहनपुर वासी हैं। पिछले विगत कई वर्षों से बोलिए और पिछले 3-4 महीनों से जब से गर्मी का प्रकोप बढ़ा है, तब से बिजली विभाग का उदासीनता जो है ऐसा है जैसे लग रहा है कि हम लोग उनके कंज्यूमर हैं ही नहीं। 18 घंटा बिजली की जगह 4-5 घंटा बिजली मिलता है, ऐसा यहाँ पे कर्मचारी का उदासीनता है। चाहे वो JEE हो, SDO हो, कोई भी हो, कोई भी अपना फीडबैक सही नहीं देता है। कोई बोलता है 33 कट है, कोई बोलता है आपके इधर फॉल्ट है, तो वो फॉल्ट क्या ग्रामीण फॉल्ट उसको पूरा करेगा कि बिजली विभाग करेगा? पूरे धरहरा प्रखंड में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर आपका ओड़ा बगीचा पंचायत में है, सुन लीजिए। और कहीं भी बिजली का चोरी नहीं होता है, जो भी बिजली बिल का भुगतान होता है वो टाइम टू टाइम करता है ग्रामवासी। फिर भी बिजली देने के मामले में, लेने के मामले हम लोग पिछड़े हुए हैं, यह बिजली विभाग की उदासीनता का कारण। आज क्या करने आए? आज हम लोग धरना पे बैठे हैं, यहाँ पे सभी ग्रामीण ग्रिड पर हाँ ग्रिड पर बैठे हुए हैं, अंदर जो है शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं कि जब तक कोई सक्षम पदाधिकारी आके बात नहीं करते हैं तब तक हम लोग धरना पे यूं ही बैठे रहेंगे भूखे प्यासे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आलोक है, वार्ड प्रतिनिधि है और ऊंचा पंचायत मुद्दा है। बिजली विभाग के एक कई आतंक से हम लोग जो है ना आतंकित हैं। एक तो गर्मी की स्थिति देख रहे हैं, प्रकृति का जो प्रकोप चल रहा है, इतनी गर्मी है, इतना धूप है, और उसके बावजूद भी और सब जगह जो सिर्फ मोहनपुर गांव को टारगेट किया जा रहा है बिजली विभाग से, पता नहीं क्या पूर्वाग्रह है। और ये बरसों से ऐसा होता रहा है, सब जगह बिजली होती है लेकिन मोहनपुर में बिजली नहीं होती है। अगर और जगह पर जो 18 घंटा बिजली है तो मोहनपुर में 6 घंटा बिजली है। ये ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग निराश होके, हताश होके इस आंदोलन को जो है करने के लिए बाध्य हुए हैं, और जब तक हमारी बिजली नहीं सुधर जाती है तब तक हम लोग अनवरत आंदोलन करते रहेंगे। अभी क्या कर रहे हैं? अभी धरना पर बैठे हुए हैं। बिजली अंदर एक स्टाफ थे, उनसे अनुरोध किए कि भाई आप हमको सहायता कीजिए और बाहर आइए, और अंदर जो है कि ताला लगा दिए हैं हम लोग। जब तक कोई सक्षम पदाधिकारी नहीं आ जाए जिससे कि हम लोग बात कर सकें, तब तक हम लोग यहाँ इसी गेट पर धरना के रूप में बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार आकाश हुआ और मोहनपुर के ग्राम निवासी हैं।